उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में आयोजित सबसे बड़े सामूहिक विवाह समारोह में 2600 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह योजना की प्रशंसा की और कहा कि विगत 2-3 वर्षों में 1.25 लाख से भी ज्यादा कन्याओं का बिना किसी दहेज के विवाह कराया जा चुका है। वहीं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि कामनगर श्रमिकों की बेटियां का सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्पन्न हुआ, जिसमें सरकार के द्वारा श्रमिकों की कन्याओं के लिए शादी अनुदान दिया गया है और सभी वर वधुओं के लिए कपड़े आदि सामान दिए गए। साथ ही कन्याओं को 10,000 रुपए दिए गए और हर एक वर वधु को 75,000 दहेज के तौर पे दिए गए हैं। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हितार्थ लगभग 16-17 कल्याणकारी योजनाएं चला करके उनको विकास की मुख्य धारा में खड़ा किए जाने का प्रयास है। उन्हीं योजनाओं में से श्रमिक पुत्री विवाह योजना के अंतर्गत आज भव्य सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आपके मुरादाबाद में रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सहित अनेक कैबिनेट के मंत्रीगण इन वरवधुओं को आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ आज देश का सबसे विशालतम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम मुरादाबाद में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 2600 से भी ज्यादा वरवधु दाम्पत्य सूत्र में बंध करके अब इधर विवाह समारोह समापन होने पर सभी वरवधु ने सरकार और श्रम विभाग आभार जताया। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये सभी गरीब लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। यहाँ से आए अम्बेडकर नगर से, कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा है, सरकार सुविधा दे रही है, अच्छा लग रहा है जी। सरकार ये बढ़िया काम कर रही है, जो मतलब लाचार मजबूर है उनके लिए बढ़िया काम है, अच्छा कर रही है सरकार जी। जी 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 साहब, बहुत की हो गई, ऐसे तो बहुत की हो गई। नहीं, हमारी हैसियत नहीं थी शादी कर जी, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, शादी हो रही है, बहुत अच्छा है योगी जी के लिए, शादी करा रहे हैं जी, बहुत अच्छा है योगी जी, शादी करा रहे हैं। सराय खजूर, अच्छी बात है, खुशी है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। ये माहौल देखकर यहाँ का जो अरेंजमेंट है बहुत अच्छी है, इतना अच्छा इंतजाम उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा होगा, लेकिन बहुत अच्छा है, नाश्ते का प्रोग्राम भी अच्छा है। अच्छा, जो योगी जी के द्वारा एक काम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? इतना अच्छा, इतना शानदार भव्य प्रोग्राम है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, अच्छा लग रहा है। मतलब किसके द्वारा ये शादी कराई जा रही है? योगी जी के, मुख्यमंत्री के यहाँ से। कमजोर से हो रहा, नीचे हटाओ मास्क। किस तरह से कभी सोचा था इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा माहौल होगा और सारे लोग इकट्ठा होंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। ये अभी तो सरकार ने ये निर्णय लिया है, कैसा इनिशिएटिव है उनका? अच्छा निर्णय लिया है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा, जिंदगी में कभी नहीं देखा ऐसा, कभी नहीं देखा। अच्छा, कैसा माहौल है यहाँ? बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जो सरकार ने एक कदम उठाया है कि बेटियों की शादी करने का, कैसा कदम है ये, क्या लगता है? बहुत ही अच्छा है। सरकार से या योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतनी सारी मदद कर रहे हैं हमारे लिए। अब लड़कियों के सामने परेशानी आती थी शादी को लेकर, माँ बाप के सामने भी आती होगी, किस तरह की परेशानी आती होगी? कि हमारे पास बजट नहीं है, शादी हो रही है इसलिए कोई कर नहीं पाता, इसलिए अब कर रहे हैं सब। आज लग रहा है अच्छा था कि इतने सारे लोग हैं, कभी सोचा था कि इतने सारे लोगों के बीच में शादी का मौका मिले? नहीं। बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है,
आपने यहाँ पर शादी करने का क्या सोचा, क्यों सोचा, कुछ वजह? ऐसे ही सोचा। अच्छा, सरकार का जो इनिशिएटिव है, जो इसने कदम उठाया है, कैसा कदम? अच्छा कदम है, बहुत बढ़िया कदम है पब्लिक के लिए। कुछ कहना चाहेंगे सरकार? बस थैंक यू बोलना चाहेंगे सरकार को। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 2,754 जोड़ों ने नए जीवन की शुरुआत की। यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आयोजन समापन हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।